रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। कल ग्रेटर नोएडा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर मुलाकात होगी, कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे सीएम योगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर बसाने को लेकर एमओयू यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में 500 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है यूपी और इसी सिलसिले में ग्रेटर नोएडा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल। इससे पहले ऑटो एक्सपो में भी आए थे सीएम योगी, जहां उन्होंने अलग अलग राज्यों के व्यंजनों को देखा था और साथ ही वहां पर लोगों से बातचीत भी की थी। और अब आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनसे मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाश किराए के मकान में तमंचा बना रहे थे और बुलंदशहर हाथरस मथुरा में इनकी सप्लाई की जाती थी। सासनी गेट थाना पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की टीम ने हथियारों की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। आरोपी किराए के मकान में हथियार बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी अवैध हथियार के धंधे में काफी लंबे समय से शामिल है। मौके से पुलिस 20 तैयार तमंचे, कई अधबने तमंचे, कारतूस और भारी मात्रा में तमंचे बनाने का सामान भी बरामद कर लिया है। डाई का काम करता था और डाई का काम करते करते उसने शस्त्र बनाना सीखा, तो वो प्रथम रूप से वो एक डाई मैन्युफैक्चरर था जिसने शस्त्र बनाना डाई बनाने के दौरान सीखा। तो कब से संचालित कर रहा था सर? जैसा कि पूछताछ में बताया गया है, वो यह काम तो लगभग 6 साल पहले उसने छोड़ दिया था, लेकिन अभी कुछ जो उसके तरफ से बताया गया है कि अभी कुछ आर्थिक तंगी के चलते उसने दोबारा यह काम शुरू किया कर दिया था। तो लेकिन हम इसमें भी अग्रिम जांच की जा रही है कि अगर उसने पहले से भी अगर यह काम करना शुरू किया है। सोनभद्र में एनटीपीसी की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया गया। बिजपुर थाना इलाके में बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। बुलडोजर से जमीन पर बने कच्चे मकान को गिरा दिया गया है। नायब तहसीलदार ने बताया कि पहले ही नोटिस देकर जमीन खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई है। एनटीपीसी द्वारा इस पे अवैध निर्माण के संबंध में अतिक्रमण हटाने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसमें एनटीपीसी द्वारा पूर्व में नोटिस भी जारी किया गया था और वहां चिपकाया भी गया था। तो श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसको हटवाने के लिए आज आदेशित किया गया था, उसके क्रम में हम लोग आके जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया। सर ऐसे यही है कि और कोई मामला इस टाइप का है इस क्षेत्र में? अभी तो फिलहाल हम लोग के इसीलिए आदेशित किया गया था जो मामला है आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा।